नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3, 4 और 5 फरवरी की आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आए दोस्तों सके साथ बात करते हैं अष्टमी ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर राशि में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों राशि में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा, इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन्हीं सभी के महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इंद्रों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों 3 फरवरी की बात करें तो दोस्तों इस दिन गुरुवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन शतभिषा नाम का नक्षत्र रहेगा। वहीं दोस्तों योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन परिग नाम का शुभ योग और शिव नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। इसके उपरांत इस दिन राहु कल के समय दोपहर के 2:03 से लेकर शाम के 3:36 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे आप यह राहु कल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें और दोस्तों चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि पर संचार करेंगे। वहीं दोस्तों अगले दिन की बात करें तो दोस्तों शुक्रवार का दिन होगा, चतुर्थी तिथि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र और साथ ही इस दिन सर्वार्थसिद्धि नाम का शुभ योग रहेगा। राहु कल के समय सुबह के 11:18 से लेकर दोपहर के 12:40 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा दिन कुंभ के उपरांत मीन में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों 5 फरवरी की बात करें तो दोस्तों इस दिन शनिवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र और साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग के उपरांत ही इस दिन साधे नाम का शुभ योग रहने वाले हैं और राहु कल के समय दिन सुबह के 9:55 से लेकर सुबह के 11:17 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा इस दिन मीन राशि पर संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन 3 दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है, चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह समय माता पिता भाई बंधु सबके साथ विचारधारा एक दूसरे के अच्छे हो सकते हैं तथा किसी भी काम काज में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होने से घर में खुशी का माहौल हो सकता है। वैवाहिक मांगलिक कार्य यह समय होने की संभावना पाई जाती है। वहीं दोस्तों नेगेटिव की अगर बात करें तो कड़ी मेहनत करने वालों को उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन दोस्तों अध्ययन में लापरवाही करने से आपको रुकावट का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों वर्तमान की बहुत ही अच्छी लगने वाली बातें आने वाले काल में बहुत कड़वे यानी दुख का कारण बन सकती है। दोस्तों आप अपने वाणी पर यह समय संयम रखें, आर्थिक मामलों में जोखिम ना उठाएं। दोस्तों यह समय आपका दिन आपके लिए 2 तरह की चुनौतियों से भरा हो सकता है। दोस्तों यह समय बिजनेस के मामलों में आपको दूसरों से बेहतर साबित होने का दबाव भी रह सकता है। वहीं दोस्तों कुछ अच्छी सूचनाएँ भी आपके निजी जीवन में खुशी ला सकता है। दोस्तों आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, जो काम कुछ समय से करना आप चाह रहे थे वह करने में आप यह समय सफलता प्राप्त करेंगे। अपनी मेहनत में कोई कमी होने न दें। दोस्तों परिवार में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो अपना मत अवश्य रखें, जो सच है उसका साथ दें। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको यह समय कुछ प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, इसमें आपको क्षमता से अधिक मेहनत भी करनी होगी। कहीं से अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह समय आप कोई बैंक बैलेंस ना बना पाएं। इसके पीछे के कारण यह हो सकता है कि आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या दोस्तों कहीं भी आप अपना जो है पूंजी को निवेश कर सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो आपके अंतरंग संबंधों में वृद्धि रहेगी, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें यदि आपका जो प्रियतम है किसी बात में आप पर जो विरोध भी आपका कर सकता है, यश में उनकी बातों को आप महत्व दें, तभी इस रिश्ते में जो है बराबरी का दर्जा एक दूसरे को आप दे पाएंगे और दोस्तों आपका रिश्ता भी यश में अच्छा ही चलेगा। दोस्तों यश में अविवाहितों के लिए दिन फलदायक रहेगा, ये समय
कोई अच्छा रिश्ता भी आपको मिल सकते हैं इसका आसार है। अपने प्रयास आप करते रहें। वही दोस्तों यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें यानी सेहत को लेकर, तो दोस्तों यश में खान पान का विशेष ध्यान रखें। फूड पॉइजनिंग जैसी कोई समस्या भी आपको यश में हो सकता है। दोस्तों यश में आप नियमित रूप से व्यायाम करें, आप खुद को चुस्त दुरुस्त बनाए रख सकते हैं ऐसे में, और साथ ही साथ खान पान पर भी आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। दोस्तों यश में गणेश जी बताते हैं कि आपको अधिक व्यवहारिक बनने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप भावनात्मकशील होने के कारण हर एक बात दिल से विचार करते हैं। छोटी छोटी कठिनाइयों में भी आप मानसिक तनाव अनुभव करते हैं, इसलिए दोस्तों यश में आप व्यवहारिक बनना आपके लिए आवश्यक होगा। कभी कभी दिल की अपेक्षा आप दिमाग का भी उपयोग करें, यह आपके लिए बुद्धिमानी का कारक होगा। वही दोस्तों यश में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी पैसों की स्थिति को लेकर बात करें, तो दोस्तों आप बिना किसी प्रयास के अधिकतम परिणाम लाना चाहेंगे। दोस्तों यश में भाग्य पर निर्भर रहेंगे। दोस्तों यश में आप धन की आमदनी तो करेंगे, लेकिन वो स्मार्ट तरीके से आप करना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से आपका भाग्य जो है आपका समर्थन नहीं करेगा, जबकि आप किसी भी कीमत पर परिणाम प्राप्त करना चाहेंगे। वही दोस्तों यश में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें, तो दिल के मामले में त्याग करने का रवैया निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। दोस्तों यश में दिन अच्छी और बुरी दोनों तरह के हालात होंगे, आप रिश्तों में स्वामित्व होंगे, और दोस्तों गणेश जी ऐसा कहते हैं कि आपको अपने पीर के प्रति सहानुभूति रखने की भी यश में आवश्यकता होगी। वही दोस्तों यश में अगर आपकी आर्थिक स्थिति यानी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो दोस्तों गणेश जी यश में भविष्यवाणी करते हैं कि आप यश में अच्छा पैसा कमाने वाले हैं, कई स्रोतों के जरिए अतिरिक्त पैसा कमाने में भी सक्षम होंगे। दोस्तों यश में अपने काम को लेकर बहुत ही लोगों के पास चर्चा भी कर सकते हैं। दोस्तों यश में काम के मोर्चे आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि अधूरे काम को पूरा करने की जरूरत है, अतः अपना ध्यान लक्ष्यों पर रखने की कोशिश करें। गणेश जी कहते हैं कि शारीरिक गतिविधियों में शामिल के लिए यश में अच्छा दिन होगा, क्योंकि यह आपको पूरा तरह से फिट रखेगा। दोस्तों यश में आप अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। रियल इस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा यश में दे सकता है। दोस्तों आपके आकर्षक और व्यक्तित्व के जरिए आप जो है कुछ नए दोस्त यश में बना सकते हैं, या फिर आपके कुछ नए दोस्त जो मिल सकते हैं। दोस्तों यश में लव मेट आपसे किसी चीज़ की डिमांड भी कर सकता है, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका लव मेट आपसे नाराज भी हो सकता है। दोस्तों सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। दोस्तों अपने काम से आराम लेकर यश में कुछ समय के लिए अपने जीवनसाथी को समय दें, उसके साथ समय व्यतीत करें। जीवनसाथी से आपको अपने दिल की सारी बातें करने का पूरा भरपूर समय मिलेगा। दोस्तों यश में आप अपने प्रेम संबंध को मजबूत करने के लिए केले की पेड़ की पूजा करें। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, अगर आप मानसिक परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से आपके ऊपर कोई बोझ बना हुआ है जिसके कारण आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन रहते हैं और वो टेंशन में आप कोई भी कार्य कर नहीं पाते हैं, तो दोस्तों यश में आपको इन दिनों में ये उपायों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि रोज़ हनुमान जी का आप पूजन करें और फिर हनुमान चालीसा का भी आप पाठ करें। आपको बता दें कि प्रत्येक शनिवार को आप शनि को तेल भी चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और साथ ही दोस्तों अपनी पहनी हुई एक जोड़ी चप्पल किसी गरीब को जरूर दान करें। दोस्तों ये जो उपाय हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और भाग्यशाली होंगे। इन उपायों को करने से आपकी मानसिक परेशानियाँ बहुत ही जल्द खत्म होंगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ पाएंगे, अपने कार्यों में अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। तो दोस्तों यह उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, यश में आप इन्हें कर सकते हैं।